हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान सर स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड की तरफ से आपका एग्जाम का डेट अनाउंस कर दिया गया है। आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच होने वाली है। सो आज हम उसी के रिगार्डिंग एक वीडियो लेकर आए हैं आपके साथ, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग का जो एग्ज़ाम का डेट है 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक है, जो आप लोग को ही पता होगा। और नंबर ऑफ शिफ्ट दो होती है। फर्स्ट शिफ्ट जो होता है 9:30 AM से लेकर 12:45 PM तक, मतलब 9:30 सुबह से लेकर 12:45 दोपहर तक पहला शिफ्ट होगा। और सेकेंड शिफ्ट जो होगा 1:45 से लेकर 5 PM तक होगा। जो आपका जो टाइम मिलता है वो टाइम होता है कितना, 3 घंटे 15 मिनट। आपका टोटल एक शिफ्ट का जो टाइम होता है 3 घंटा 15 मिनट का टाइम होता है आपके पास, जिसमें 15 मिनट जो एक्स्ट्रा दिया जाता है या आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए समझने के लिए दिया जाता है। और 3 घंटा जो होता है आपके, आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं आंसर के लिए। और 15 मिनट आपके लिए एक्स्ट्रा दिया जाता है क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़ सकें उसको समझ सकें। समझने के बाद 3 घंटा में आप उसको उस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। सो फर्स्ट शिफ्ट हो गया 9:30 AM से लेकर 12:45 PM तक, मतलब 9:30 सुबह से लेकर 12:45 दोपहर तक आपका फर्स्ट शिफ्ट होगा। और फिर कुछ देर लंच करने के बाद फिर सेकेंड शिफ्ट होता है, जो होगा 1:45 PM से लेकर 5:00 PM तक। इस दोनों में जो क्वेश्चन होगा अलग अलग क्वेश्चन होगा, और सेट भी दोनों का अलग अलग होगा, किसी बच्चे का इसमें होगा तो किसी का इसमें होगा। तो आपका दो शिफ्ट एग्जाम हो गया। उसके बाद आपका जो होता है नंबर ऑफ सब्जेक्ट, आप लोगों को पता है कि हम लोग का नंबर ऑफ सब्जेक्ट 6 है। इसमें से पता है कि आप लोग 5 कंपलसरी होता है, एक नॉन कंपलसरी होता है। नॉन कंपलसरी जो होता है मेरा इंग्लिश। सो आप लोग का 6 सब्जेक्ट इस प्रकार, जैसे कि इंग्लिश हो गया, साइंस, सोशल साइंस, अब चौथा हो गया मैथमेटिक्स, पाँचवा हो गया हिंदी, और छठा हो गया संस्कृत। ये जो 6 सब्जेक्ट है इसमें से आप लोग को 5 कंपलसरी होता है। कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया आप लोग का साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी एंड संस्कृत। और छठा सब्जेक्ट जो इंग्लिश है वो आपको सिर्फ पास मार्क लाना है 30 नंबर। अब लाइन टू लाइन कोई भी जरूरी नहीं है कि इसमें आपको पास करना ही है, लेकिन 30 नंबर लाता है तो ठीक रहता है। अगर 30 नंबर लाते हैं तो आप लोग को साइंस स्ट्रीम में एडमिशन हो सकता है। ऐसे थोड़ा कम चांस होता है कि साइंस स्ट्रीम में 2S में जाके आपको एडमिशन मिल जाए। सो इंग्लिश में कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 30 मार्क्स लाएँ, और ज़्यादा तो फिर आप जितना भी ला सकते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है उसमें। तो इंग्लिश आपका कंपलसरी नहीं होता है, और बाकी 5 सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी होता है, जैसे साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी एंड संस्कृत। सो ये आपका हो गया सब्जेक्ट का नाम। और हम आप लोग को एक ये चीज कर सकते हैं कि आप लोग का जो मेन एग्जाम है 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच होगा, उससे पहले आप लोग का एक जो होता है परीक्षा होता है सेंटअप परीक्षा। देखिए हमने यहाँ लिखा सेंटअप एग्जाम। ये जो एग्जाम होता है आपका मेन परीक्षा, जो आपका ये मेन परीक्षा है, इससे कुछ दिन पहले ही ये परीक्षा होता है। इसका एग्जाम का डेट आ चुका है। इसका एग्जाम का डेट है, सेंटर परीक्षा का एग्जाम का जो डेट है 11 से 13 नवंबर। देखिए सेंटर एग्जाम का जो डेट है 11 से लेकर 13 नवंबर तक, और 17 नवंबर को होगा आपका सेंटर परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा से कुछ दिन पहले होता है। इस बार बिहार बोर्ड ने कहा है कि सेंटअप का जो क्वेश्चन होगा वो हम ही सेट करेंगे, और उसमें भी जो होगा सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा आपका मुख्य परीक्षा होता है, वैसा ही आपका सेंटअप एग्जाम भी होगा। उसमें भी आपका टाइम दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का, उसमें भी 15 मिनट आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिया जाएगा, 3 घंटा आपको उसका क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए दिया जाएगा। सो सेंटअप परीक्षा भी आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग सेंटअप परीक्षा मिस कर दिए तो आप लोग का जो मेन परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने सेंटअप एग्जाम नहीं दिया है।
सो आप लोग के लिए सेंटअप एग्जाम बहुत कंपलसरी है। सो आप लोग सेंटअप एग्जाम देना कभी भी नहीं भूलिएगा। इससे पहले बिहार बोर्ड की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आया था डम्मी एडमिट कार्ड के लिए। सो अगर आप लोगों ने डम्मी एडमिट कार्ड अभी तक जा करके स्कूल से या फिर नेट से जाके नहीं लिए हैं तो कृपया करके जा करके स्कूल से, या फिर स्कूल तो अभी बंद है, तो आप लोग नेट से जा करके डम्मी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका वेबसाइट मैं यहाँ दे देता हूँ, www.biharboard.com से जाकर के आप डम्मी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डम्मी एडमिट कार्ड में कुछ भी गलती होती है तो आपको सुधार का मौका दिया गया है 15 नवंबर तक, ठीक है। आप जब 15 नवंबर तक कुछ भी चीज सुधार कर सकते हैं, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपके फादर का नाम हो गया, मदर्स का नाम हो गया, या फिर डेट ऑफ बर्थ हो गया, और आपके किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत हो, त्रुटि हो, तो आप डम्मी एडमिट कार्ड में जो है आप सुधार कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप सुधार नहीं कर सकते, जो आप डम्मी एडमिट कार्ड में आएगा वही डम्मी एडमिट कार्ड का मतलब है कि आपका जो मेन एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है उसका कॉपी, यानी कि जो उसका जो है ना, और हुबहू नहीं कर सकते, लेकिन उसी का कॉपी रहता है डम्मी एडमिट कार्ड, बस उसमें सिर्फ डेट ऑफ एग्जाम नहीं दिया रहता है, आपका जो सब्जेक्ट का नाम रहता है कब से कब होगा उसमें दिया नहीं रहता डम्मी एडमिट कार्ड में, बस उसमें नाम रहेगा, आपका फोटो रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका एड्रेस रहेगा। आपको कोई भी गलती अगर दिखता है डम्मी एडमिट कार्ड में तो आप सुधार कर सकते हैं 15 नवंबर तक, उसके बाद आपको फिर सुधार का मौका नहीं मिलेगा। अगर फोटो में दिक्कत है तो फोटो भी आप उसमें चेंज कर सकते हैं। सो ये हम लोग का इन्फॉर्मेशन था बिहार बोर्ड की तरफ से जो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर हाँ, आपको अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसका समाधान देने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू।